हेलो फ्रेंड, मैं अर्षी गया बिहार से और आप देख रहे हैं अर्षी टेरिस गार्डन। सो फ्रेंड, देखिए अब हमारी छत पे फ्रूट भी बनना शुरू हो गया है। इस टाइम पे बहुत अच्छे से फ्रूटिंग लग रहा है और बहुत ही अच्छा हरियाली बना हुआ है छत पे। तो इतना अच्छा हरियाली और इतनी अच्छी फ्रूटिंग देख करके दिल बहुत खुश हो जाता है। तो मैं सोची कि आज आप लोग के साथ भी कुछ वीडियो और कुछ काम की बातें शेयर करें। तो देखिए ये हरियाली इतना अच्छा, छत पे ये थर्ड फ्लोर छत पे इतनी अच्छी वेजिटेबल होने का क्या राज है और इतना आसानी से कैसे होता है। बहुत लोग का कहना होता है कि मेरा बेल छत पे लगाई थी, कोई भी वेजिटेबल लगाई तो बहुत अच्छे से सरवाइव नहीं करता है, तो बढ़ता नहीं है, बढ़ गया तो फ्रूट नहीं करता है। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है फ्रेंड्स। देखिए हमारे अमरूद में भी फूल लगने लगा है। कुछ ना कुछ राज होता है, क्यों कभी ऐसा होता है कि आपका मिट्टी बहुत अच्छा रेडी नहीं हुआ हो, बहुत हल्की मिट्टी रेडी नहीं हुई हो, या कुछ खाद में कमी रह गया हो। हमारे छत की मिट्टी बहुत हल्की और बहुत भुरभुरी सी है और प्योर ऑर्गेनिक मटेरियल से रेडी किया हुआ है। घर में मैं खेती कर रही हूँ, छत पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगा रही हूँ, तो फिर सारा चीज़ ऑर्गेनिक रखना होता है। भले ही सब्ज़ी थोड़ा हो, एक टोकरा भर टूटे नहीं, कभी कभी तो विंटर में टोकरा भर भी टूटता है, लेकिन हाँ समर में या फिर रेनी सीज़न में इतना होता है कि आप आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते इतना वेजिटेबल। और जब घर में उगा रहे हैं तो प्योर ऑर्गेनिक उगाएं, कोई भी केमिकल बाहर का यूज़ ना करें, अपने छत पे अपने वातावरण को ख़राब ना करें। तो देखिए हमारे छत पे कितनी अच्छी वेजिटेबल हो रही है कैप्सिकम, और ये कैप्सिकम मैंने विंटर में लगाया था तो बहुत अच्छा है, इसकी फ्रूटिंग हो रही है इस टाइम पर। और समर में इतनी गर्मी पड़ी कि मेरा 2-3 कैप्सिकम का पौधा ख़राब हो गया, सारा मर गया। तो जो अभी हमारे पास एक पौधा है जिससे मेरा कैप्सिकम इतना टूट रहा है, और आए दिन मैं जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता है छत से दो तीन तोड़ कर ले जाती हूँ। इस टाइम मिर्ची की भी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से हो रही है देखिए। और ऑर्गेनिक फल और फूल का एक और ख़ासियत है, फल ख़ास करके वेजिटेबल का, कि आप इसे तोड़ करके 1 10 15 दिन भी आप फ्रीज़ में रख रहे हो तो 20 दिन 22 दिन कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बाहर भी अगर आपका ये टूटा हुआ सब्ज़ी रखा हुआ है तो ना गलेगा ना ख़राब होगा, 8 दिन तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल का सबसे बड़ा ख़ासियत, अभी तक मैं 3 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, तीसरा साल मेरा चल रहा है, मैं इस चीज़ को नोटिस की हूँ, अगर बाज़ार से कुछ भी आता है तो तुरंत ख़राब हो जाता है, गल जाता है, लेकिन छत का टूटा हुआ सामान बहुत लंबे टाइम तक रखता है और खाने का टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। देखिए हमारे छत की मिर्ची है और मिर्ची का पौधा मैं एक नहीं 4-5 लगाई भी हूँ, इसलिए मेरी छोटी टोकरी पूरा भर जा रही है। 3 पौधा 1/2 kg जैसा आराम से मिर्ची निकल रहा है और बहुत अच्छा इसकी इस टाइम पे हार्वेस्टिंग हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने छत पे थोड़ा मेहनत करके इतनी अच्छी वेजिटेबल निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक। तो आप अपने छत पे गार्डनिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस 2 चीज़ का ख्याल रखिए, एक हल्की भुरभुरी वेल ड्रेन मिट्टी रेडी कीजिए और दूसरा बाहर का कोई भी केमिकल अपने छत पे ना डालें। देखिए हमारे छत पे इतनी अच्छी वेजिटेबल होने के पीछे मैं कौन सी फर्टिलाइज़र डालती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो ये हमारा टोटल किचन वेस्ट है जो हमारे किचन से आज निकला है, उसे मैं आधा बाल्टी से थोड़ा ज़्यादा पानी में डाल दे रही हूँ और इसमें कुछ हमारा खाद भी जाएगा, ऑर्गेनिक खाद। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, नीम खल्ली है, मस्टर्ड केक है, तो ये सब मैं सब अपने जो भी बाल्टी है उसमें मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा इसके साथ ये लिक्विड मैजिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको बोलेंगे हम, बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए ये खैनी का थोड़ा केक है, तो खैनी तो खाना नहीं चाहिए इंसान को, बहुत नुकसान करता है, लेकिन हाँ ये पेड़ पौधा के लिए अच्छा काम करता है। ये हमारे पौधा में जो भी कीड़ा लगा है या बैक्टीरिया लगा है तो उसके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है ये। और इसमें मैं थोड़ा अपने गार्डन का एलोवेरा भी डलवा दे रही हूँ, क्योंकि हमारे गार्डन में इस टाइम पर एलोवेरा भी बहुत हो रहा है, वो फर्टिलाइज़र के रूप में बहुत अच्छा काम करता है और मैं जब भी डाली हूँ तो अच्छा ही रिज़ल्ट पाई हूँ। तो मैं साथ में इसमें 2 एलोवेरा कटवा कर डलवा दूँगी। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है या आपका नॉलेज के लायक है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आप एलोवेरा कट करके डाल दीजिए, साथ का साथ ये भी गलेगा, और 2-3 दिन इसे ढक करके कोई छाएदार जगह पर रखना होता है।
और हर रोज़ सुबह शाम मैं इसे डंडा के सहारे से चलाती हूँ। तो बहुत इजी तरीके से आपके घर में फर्टिलाइज़र रेडी हो जाता है, खाद, लिक्विड खाद, और आपके पौधे के लिए बहुत काम आता है। आप इसे अपने पौधे में डालिएगा तो बहुत अच्छा फल होगा, बहुत अच्छा वेजिटेबल होगा, फ्लावर में डालिएगा तो बहुत अच्छे कलरफुल फ्लावर आएंगे। तो आप अपने छत पे इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है। और देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।